नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का अलजेब्रा का थर्ड लेसन पॉलीनोमियल्स का प्रॉब्लम सेट थ्री। प्रॉब्लम सेट थ्री में हमने तीन वीडियो बनाए हैं जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 1-5 इंक्लूड किया है, पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 6-10 इंक्लूड किया है, और क्वेश्चन जो पार्ट थ्री हमारा है उसमें क्वेश्चन नंबर 11-15 इंक्लूड किया है। तो आज करने वाले हम पार्ट टू जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6-10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एड द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया है 6 में, 1 और 2, हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया है 7x⁻⁴ - 2x³ + x + 10, एंड सेकेंड पॉलीनोमियल्स है 3x⁴ + 15x³ + 9x² - 8x + 2। हमें इस पॉलीनोमियल्स को इस पॉलीनोमियल्स में ऐड करना है। ऐड करने के पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं, हम इन दोनों पॉलीनोमियल्स को ब्रैकेट में लिख देते हैं, 7x⁻⁴ - 2x³ + x + 10, एंड सेकेंड पॉलीनोमियल बीजे प्लस लगाना है 3x⁴ + 15x³ + 9x² - 8x + 2। फर्स्ट हम काम करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द ब्रैकेट। पहले हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो कोई मार्क चेंज नहीं होगा, जब उसके यहाँ माइनस होता तो सारे मार्क क्या होते, चेंज हो जाते हैं, बट यहाँ कोई मार्क चेंज, एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे, ओनली हमें ब्रैकेट रिमूव करना है। तो 7x⁴ - 2x³ + 6x + 10 + 3x⁴ + 15x³ + 9x² - 8x + 2। अब क्या करते हैं, हम जो लाइक टर्म है उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे x⁴ है और यहाँ पे भी x⁴ है, यहाँ पे 7 times, यहाँ 3 times, इट विल बी हाउ मच, 10 times, तो 10x⁴। अब देखिए x³ यहाँ पे है और x³ यहाँ पे, 15x³ यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, 15 में से 2 माइनस करना है हमें, कितना आएगा 13x³। अब उसके बाद स्क्वायर वाला, स्क्वायर का कोई यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है तो उसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, 9x² और x वाला यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे है, यहाँ प्लस है, मतलब माइनस ही होने वाला है। यहाँ 8x में से 1x माइनस करेंगे 7 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर हमारा माइनस है इसलिए -7x, और विदाउट वेरिएबल यहाँ देखिए 10 है, यहाँ पे 2 है, 10 + 2 इट विल बी 12। देखिए हमने सॉल्व कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड हमारा है 3p³ + 2p² + 7। ये फर्स्ट हमारा पॉलीनोमियल है, सेकंड हमारा 2p² + 4pq - 2pq। अब देखिए इस पॉलीनोमियल के इस पॉलीनोमियल में ऐड करना है, तो पहले हम सॉल्यूशन में ब्रैकेट में लिख लेंगे इन दोनों पॉलीनोमियल को, 3p³ + 2p² + 7 + 2p² + 4pq - 2pq³। फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द ब्रैकेट, कोई मार्क नहीं, एज इट इज कॉपी करना है, 3p³ + 2p² + 7 + 2p² + 4pq - 2pq³। अब देखिए जो लाइक टर्म है उसमें हम प्लस करना है माइनस करना है, वो देखते हैं। यहाँ पे pq का क्यूब है, यहाँ पे pq का क्यूब है, देखिए सेम है, यहाँ पे 3 times है, यहाँ 2 times माइनस करना है, 3 times में से 2 times माइनस होगा, कितना टाइम, 1 time बचेगा, तो 1 हमें नहीं लिखना है, हमें लिखना है खाली pq का क्यूब, और p² q, यहाँ पे भी 2 times, यहाँ भी 2 times, इट विल बी 4 times, 4p² q। उसके बाद ये देखिए pq वाला सिंगल एक ही है, यहाँ पे इसका कोई लाइक टर्म नहीं, उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, 4pq, और उसके बाद विदाउट वेरिएबल 7 है, उसको भी हमने कॉपी कर लिया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड भी कम्प्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलीनोमियल्स फ्रॉम द फर्स्ट।
यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमने लिख लिया है, सेकेंड वाले को फर्स्ट में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, फर्स्ट हमें सॉल्यूशन में दोनों को हमें किस में लिखना है, ब्रैकेट में। तो 5x² - 2y + 9 यह फर्स्ट पॉलीनोमियल है, इसको करना है माइनस, इसमें से हमें 3x² + 5y - 7 को। अब फर्स्ट हमारा काम क्या है कि ब्रैकेट रिमूव करना। अब देखिए माइनस है तो ब्रैकेट रिमूव करें तो ये सबका मार्क क्या हो जाएगा, चेंज। जितने भी माइनस है वो प्लस है, जितने प्लस है माइनस। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 5x² - 2y + 9 -3x² - 5y + 7। अब जो लाइक टर्म रहते हैं तो जुड़ जाएंगे तो घट जाएंगे। यहाँ देखिए 5x² या 3x², 5x² में से 3x² माइनस करेंगे कितना आएगा, 2x² लिख देते हैं हम यहाँ पे 2x². उसके बाद y वाला देखिए, -2y - 5y कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, इट विल बी -7y, दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन माइनस में रहेंगे। अब विदाउट वेरिएबल 9 है और 7, 9 + 7 इट विल बी 16। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड हमारा है 2x² + 3x + 5 ये फर्स्ट पॉलीनोमियल है, x² - 2x + 3 ये सेकंड है। फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सॉल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों को लिख लेंगे, 2x² + 3x + 5 - x² - 2x + 3। फर्स्ट वाले को एज इट इज उतारना है लेकिन माइनस है तो इसका मार्क सबका चेंज कर दिया, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस करते हैं। 2x² + 3x + 5 - x² + 2x - 3। अब देखिए लाइक टर्म है उसको प्लस करना है तो माइनस करना है। यहाँ पे x² 2 टाइम है x² 1 टाइम है, 2 टाइम में से 1 टाइम माइनस हो, कितना टाइम बचेगा, 1 टाइम। तो वी राइट ओनली x² 3x 2x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे कितना हो जाएगा, 5x और 5 - 3 इट विल बी 2, प्लस 2 रहेगा बिकॉज बड़ा नंबर प्लस है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड का भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। देखिए दो पॉलीनोमियल्स दिए, उसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है m³ - 2m + 3 फर्स्ट पॉलीनोमियल है, सेकंड है m⁴ - 2m² + 3m + 2। हमें इस पॉलीनोमियल्स का इस पॉलीनोमियल्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बहुत ईजी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितने भी टर्म है सारे टर्म का मल्टीप्लाई इन सारे टर्म में हमें करना है। तो पहले क्या करते हैं, हम यम क्यू का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ में करेंगे, 2m का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ में करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई इसमें। तो एकदम हम स्लोली एकदम सिंपल स्टेप वाइज जाते हैं। चलिए यम क्यू का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, m⁴ - 2m² + 3m + 2 इस पूरे में करना है, माइनस 2m का मल्टीप्लाई भी हमें m⁴ - 2m² + 3m + 2 में, इसी तरह प्लस 3 का मल्टीप्लाई भी हमें m⁴ - 2m² + 3m + 2 में करना है। अब इस m क्यू का मल्टीप्लाई इस सब में कर देते हैं हम, यम क्यू का यम पावर फोर में करेंगे तो जो पावर पावर होते हैं क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, कितना हो जाएगा, 7, m⁴ - 7, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। m⁴ - m³ का 2m² में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m⁵ प्लस 3m का यम क्यू में करेंगे तो 3m⁴ प्लस यम क्यू का 2 में करेंगे तो 2m³। ये देखिए यम क्यू का हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला माइनस है, देखिए माइनस है तो यहाँ सबका मार्क क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। ध्यान दीजिएगा पहले कि सबका मार्क चेंज हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस होने वाला, इतना तो है। 2m का करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -2m⁵, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम हुआ है, यहाँ 4 टाइम है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, 2 × 2 = 4, m का क्या हो जाएगा, क्यू, माइनस 2 का 3 में, 3 × 2 = 6, m का स्क्वायर और 2 का 2 में, 2 × 2 = 4, -4m। अब इसी तरह 3 का भी करना है, चलिए यहाँ प्लस 3 है तो कोई मार्क चेंज होने वाला नहीं, 3 का m में करेंगे तो क्या होगा, +3m⁴, माइनस 3 का 2 में करेंगे 6m², 3 का 3 में करेंगे 9m, 3 का 2 में करेंगे तो 6।
अब देखिए हमें जो लाइक टर्म है उनको क्या करना है, ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे हाईएस्ट पावर इसमें कौन सा है, सेवन है। सेवन का और कोई है क्या लाइक टर्म? नहीं है, तो उसको हम एज इट इज उतार लेते हैं, यम पावर सेवन। उसके बाद यम पावर फाइव, देखिए यहाँ पे एम पावर फाइव है, यहाँ पे भी एम पावर फाइव है, ए बी माइनस में, ए बी माइनस में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ए बी टू टाइम है, ए बी टू टाइम, इट विल बी फोर टाइम। तो लिख देंगे माइनस फोर एम पावर फाइव। उसके बाद पावर फोर, पावर फोर यहाँ पे है, पावर फोर यहाँ पे है, ये भी टू टाइम है, यहाँ देखिए थ्री टाइम है, ये भी थ्री टाइम, थ्री एम पावर फोर थ्री टाइम, एम पावर फोर थ्री टाइम, इट विल बी सिक्स टाइम, मतलब सिक्स एम पावर फोर। उसके बाद क्यू वाला देखते हैं, यहाँ भी क्यू का है और यहाँ भी क्यू है, और दोनों क्या है पॉजिटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो टू ये टू टाइम्स है, फोर टाइम्स है, कितना हो गया सिक्स यम क्यू। उसके बाद यम स्क्वायर, यम स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ भी है, ए भी माइनस, ए भी माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, लेकिन माइनस मार्क रहेगा, माइनस ट्वेल्व यम स्क्वायर। अब यम वाला देखते हैं, यम वाला एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, नाइन एम प्लस है एक माइनस में, तो माइनस हो जाएगा, नाइन एम में से फोर एम जाएगा कितना आएगा फाइव एम प्लस फाइव एम। उसके बाद विदाउट वेरिएबल कहाँ दिख रहा है, केवल एक ही है, वो भी सिक्स है, उसको हम एज इट इज उतार लेंगे। देखिए ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर एट का फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर एट का सेकेंड हमारा है, फाइव एम क्यू माइनस टू इन सेकेंड ब्रैकेट एम स्क्वायर माइनस एम प्लस थ्री। पहले हम इस एम क्यू का, फाइव एम क्यू का मल्टीप्लाई दोनों के साथ में करेंगे, फिर टू का माइनस टू का मल्टीप्लाई दोनों के साथ में करेंगे। चलिए लिख लेते हैं, फाइव एम क्यू का इंटू एम स्क्वायर माइनस एम प्लस थ्री के साथ, उस तरह माइनस टू का इंटू एम स्क्वायर माइनस थ्री प्लस माइनस एम प्लस थ्री के साथ। फाइव एम क्यू है, यहाँ पे एम स्क्वायर है, ये पावर पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा फाइव एम पावर फाइव माइनस फाइव एम पावर फोर, क्योंकि यहाँ थ्री टाइम है, यहाँ वन टाइम, इट विल बी फोर टाइम, प्लस फाइव थ्री जा फिफ्टीन एम का क्यू। अब इसकी पारी है, देखिए माइनस है तो सबका मार्क चेंज हो जाएगा, ये यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस टू एम का स्क्वायर प्लस टू एम माइनस सिक्स। अब क्या करते हैं, देखते हैं हम कुछ लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे पावर फाइव है और कहीं है, नहीं है, पावर फोर है, पावर थ्री है, पावर टू का नहीं, यहाँ कोई ऐड होने वाला नहीं, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर एट का सेकेंड भी कम्प्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा है, डिवाइड पॉलिनोमियल थ्री एक्स क्यू माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सेवन बाई एक्स माइनस थ्री यूजिंग सिंथेटिक मेथड एंड राइट कोसेंट एंड रिमाइंडर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें यह एक्सरसाइज 3.3 में हमने सीख लिया है कि सिंथेटिक डिवीजन से कैसे हमें डिवाइड करना है, बहुत इजी। देखिए हम यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको, पहले हमें डिविडेंड लिख लेते हैं, हमारा डिविडेंड क्या है, सॉल्यूशन में हमने डिविडेंड लिख लिया 3x क्यू माइनस 8x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सेवन। पहले देखेंगे यह जो डिविडेंड है वो यह इंडेक्स फॉर्म है कि नहीं है, इंडेक्स फॉर्म मतलब जो उसके पावर है उसका घटता क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, क्या 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये विदाउट वेरिएबल सही है। चलिए तब इसका हम क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 1, यहाँ कुछ भी नहीं दिया तो 1 एंड 7। डिवाइजर हमारा है एक्स माइनस थ्री, देखिए डिवाइजर में यहाँ माइनस थ्री है ना, तो माइनस थ्री के अपोजिट नंबर क्या होगा 3, हमें यहाँ पे 3 लेना है, तो लिखेंगे अपोजिट ऑफ माइनस थ्री इज 3। अब हम यहाँ पे सारे के सारे जो कोएफिशिएंट हैं उनको लिख लेते हैं 3 माइनस 8 1 एंड 7, थोड़ा दूर दूर लिखना रहेगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। अब देखिए पहले काम, थ्री को एज इट इज हम यहाँ पर उतार लेंगे, थ्री का यहाँ इंटू करें, थ्री थ्री जा नाइन, यहाँ नाइन लिखते हैं, नाइन माइनस एट इट विल बी वन, वन का अब इंटू थ्री में करें, थ्री वन जा थ्री, वन प्लस थ्री ये कितना हो जाएगा फोर, फोर का थ्री में इंटू, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व को इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 19। अब जो लास्ट वाला रहता है वो क्या था हमारा रिमाइंडर था, उसको हम बॉक्स में रख देते हैं, ये हमारा रिमाइंडर है, और ये जो हमारा कोएफिशिएंट है उसका कोएफिशिएंट फॉर्म है, तो लिख देंगे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट,
क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन फॉर्म है 3 1 4। अब हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखने का तरीका देखिए, 1 2 3, टोटल 3 टर्म है, तो हम हिसाब से हाईएस्ट डिग्री कितनी लेंगे, 2 लेंगे। और वेरिएबल में क्या यूज़ करना है, x, तो 3x² + x + 4, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन। और रिमाइंडर यहाँ हमारा हो गया, वही लिख लेते हैं, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कितना है, 19। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ m इज x + 3 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 2mx + 21। देखिए यहाँ पे फैक्टर दिया गया है कि x + 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और हमें m की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर x + 3 यहाँ पे फैक्टर है, x + 3, तो x की वैल्यू में क्या रखनी पड़ेगी, -3 रखनी पड़ेगी। और लिखते हैं हम यहाँ पे कि x + 3 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, सो अभी यहाँ पे x की वैल्यू में क्या रख देंगे, -3 पुट करेंगे। सो बाई फैक्टर थ्योरम से p - 3 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे +3 है, तो इसका हम अपोजिट -3 लेते हैं। अब हमें जो पॉलिनोमियल्स है वहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करना है, -3, पुट x = -3, तो p पॉलिनोमियल सही लिखा हमने, p - 3 = -3 का क्यू -2 × m × -3 + 21। p - 3 की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ 0 पुट करते हैं, -3 का क्यू - 3 × -3 × -3, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, -3 × 3 = 9 × 3 = 27, माइनस माइनस देखिए क्या हो जाएगा, +2 × 3 = 6m + 21, 0 इसको 27 में से 21 माइनस करते हैं, तो -6 + 6m, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 को उस साइड रिमूव करते हैं, तो 6 = 6m, अभी m की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 को रिमूव करना, 6 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड, m = 6/6, सो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी थी, m की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सेट का पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हमने कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।